गाड़ी लोड हो रही है जी जी, क्या पेमेंट क्या प्रोसेस रहा है सर इनका? इसका प्रोसेस ये रहा, ये आज से 3 दिन पहले यहाँ पे कस्टमर आए थे और ये आए थे अपने नासिक से, नासिक से आके और उन्होंने अपने यहाँ पे जो माल देखा और उनको पसंद आ गया तो उन्होंने 1,00,000 रुपए का टोकन दिया था। 1,00,000 रुपए का टोकन देके उनको मैंने जो 1,00,000 रुपए मिले उसकी स्लिप दे दी भाई कि 1,00,000 रुपए हमें प्राप्त हो गए। उसके बाद इनका वेट हुआ, लाइव वेट हुआ, मतलब जो लाइव वेट हुआ वो उनके वीडियो कॉलिंग पे हुआ था, नहीं कि वो यहाँ पे आए थे, वीडियो कॉलिंग पे उनका वेट हो गया और वेट होने के बाद उन्होंने तुरंत ही घंटे भर में जो जितना अमाउंट था वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। यह प्रोसेसर रहा और वहाँ पे जाने के बाद जैसे एक गोट के अंदर 3 किलो के लमसम वेट कम आता है। अच्छा अच्छा, वो यही है, वो इस कारण से आता है कि नहीं कि मटन में नहीं कम आता है, वो ट्रांसपोर्ट से चलने की वजह से। जो अब दो कल नहीं तो परसों ये इन द मॉर्निंग वहाँ पे पहुँचेंगे सुबह 10 बजे के आसपास, सुबह 10 बजे पहुँचेंगे तो इनको कल तो कल 8 बजे ये अपने MP दामनोद के पास खाली हो जाएगी गाड़ी। खाली होने के बाद वहाँ 8 घंटे इनको चराया जाएगा, चराएगा क्या जाएगा, रेस्ट कराया जाएगा क्योंकि पूरी नाइट चलेंगे ये, तो ये परेशान रहेंगे। अब ये वहाँ पे 8 घंटे रुकेंगे, फिर वापस 4 बजे गाड़ी लोड होगी, 4 बजे गाड़ी होगी, फिर वापस पूरी नाइट चलेंगे तो सुबह जाके ये वहाँ पर रेस्ट लेंगे, सुबह पूरे दिन रेस्ट करेंगे ये। और उसके बाद जैसे दूसरे दिन सुबह ये चलना स्टार्ट हो गया और शाम तक इनका वेट वापस वो का वो आ जाएगा जो यहाँ पर वेट किया है। हाँ, वो चरने का वेट कम आता है इनका और अदर वेट कोई कम नहीं होता। तो वहाँ भी इनका वेट होता है क्या? हाँ नहीं, अगर वहाँ पे वेट करना चाहे तो यही है कि भाई 3 किलो कम होगा, वो तो इनको जितने भी कस्टमर माल लेके जाते हैं उनको ये सब मालूम है। अच्छा अच्छा, वेट कम होता है, वो चारे का वेट होता है क्योंकि ये चरते नहीं है। अब 2 दिन से माल जाएगा चरेगा नहीं, परेशानी से रहेगा, दूसरे दिन फिर वहाँ पे जाके सोएगा, दूसरे दिन वो चरेंगे सुबह से लेके शाम तक, शाम को वेट वापस आ जाएगा। थैंक यू। मतलब पेमेंट पूरा हो चुका है? हाँ, पेमेंट पूरा ऑन फार्म पे होता है। अच्छा, वो रहता है जैसे अदर, जैसे अगर पूरा पेमेंट अभी ईद पे तो आपको बताया पूरा पेमेंट यहीं पे होगा, उसके बाद जैसे 75% हम कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब कैसे कितना माल ले रहा है, तो उसके आधार पर 75% यहाँ पे, 25% हम उनके वहाँ पे लेते हैं कि उनके गारंटी जो ले रहे हैं हम, रास्ते में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है वो हमारा है, तो वो गारंटी हमारी वो है। अगर कोई बंदा यहाँ पे फुल पेमेंट भी कर देता है तो हमारी गाड़ियाँ जाती है, कोई दिक्कत हो तो हमारा बंदा भी जाता है, आप उनको बोलो तुरंत आपके जितने भी कोई लॉस हुआ है वो पेमेंट हमको मिल जाए। ये गाड़ी आपकी? ये अपने फार्म की गाड़ी है। 14 रुपये इसकी है, 14 रुपये पर किलोमीटर टोल टैक्स आना जाना और 14 रुपये किलोमीटर भी आना जाना। तो ये जो पार्टी पहली बार इन्होंने लिया है या पहले भी इन्होंने? नहीं, इन्होंने पहले भी लिया है माल, पहले भी 3-4 बार माल गया हुआ है इनका, मगर ये तीसरी चौथी बार ये यहाँ पे आए हैं, नहीं तो 2 बार तो इन्होंने फर्स्ट बार आए थे, 2 बार उन्होंने ऑनलाइन वहीं से बुकिंग कराई थी, माल टोटल ऑनलाइन भी हुआ, वीडियो कॉलिंग पे हुआ था इनका टोटल माल। और उनके बाद वो अभी क्या जैसे लॉकडाउन हुआ तो हमने कहा था नहीं आपको आना पड़ेगा एक बार, इस वजह से वो यहाँ पे आके और निकल गए तुरंत ही, 4-5 घंटे मेरे यहाँ पे रुके थे, वो बाई कार लेके आए थे और बाई कार रिटर्न निकल गए। वहाँ का उनका फार्म है खुद का, ये उस फार्म का नासिक के अंदर वो फार्म है, QR गोट फार्म के नाम से। बिल वगैरह आपने दिया होगा? हाँ हाँ, टोटल पक्का बिल मिलता है यहाँ से अपने फार्म का, पूरा बिल्कुल पूरा अपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, वो जो परमिट बकरा परमिट भी है अपने गाड़ी का, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और अदर जो बोलते हैं इसको किसी भी तरह की कोई रास्ते में रुकावट है तो अपने फार्म की बाइक कायदा पूरी सील लग के ओरिजिनल बिन बन के और फिर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लाल हो रही है यार, दवाई थोड़ थोड़ दियो क्या बात हो? एक और उठा ले, एक और बुला ले। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, मैं छोड़ दो यार। जी अगर मैं 10 पर ध्यान हो तो पत्नी खावे, थोड़ा बहुत खाती है, एक एक दिन में आधा किलो खा जाती है, फिर बाद में 3 किलो पर खाती है। उतार
अरे वाह, कोई आए रोड तो।